अलवर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर है जो अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक और प्राकृतिक सुंदरता के कारण इतिहास प्रेमियों के लिए एक अद्भुत और स्वर्ग के समान माना जाता है। फ्रेंड पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शहर को मत्स्य देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ पांडवों ने अपने निर्वासन का 13वां वर्ष भेष बदल कर बिताया था। ऐतिहासिक रूप से यह स्थान मेवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, ये शहर सुंदर झीलों, भव्य महलों, शानदार मंदिरों, शानदार स्मारकों और विशाल किलों के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में ये शहर राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर भी है। ये राजस्थान का 8वां बड़ा नगर भी है जो लगभग 8380 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, ये शहर अब देश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ गया है। यह पहले अहिरवाल क्षेत्र का भाग था। फ्रेंड, जितना खूबसूरत यह शहर है वैसा ही इसका इतिहास भी है। राजस्थान का सिंह द्वार नाम से प्रसिद्ध अलवर जिले की स्थापना कछवाहा वंश के राव राजा प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। अलवर का इतिहास अनेक शौर्य गाथाओं से भरा पड़ा है। फ्रेंड, भारतीय संस्कृति का परचम फहराने वाले स्वामी विवेकानंद जी इस शहर में 2 बार आए थे। दोस्तों, अगर बात करें इस शहर की जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार 36 लाख के लगभग है और इस शहर में मुख्यतः हिंदी, राजस्थानी या खड़ी बोली बोली जाती है। अलवर के लोगों को उनकी संस्कृति, समृद्धि और विविधता के लिए जाना जाता है। अलवर संगीत, नृत्य कला और स्थापत्य कला में समृद्ध है। अलवर में भापन वाद्य यंत्र राजस्थानी लोकगीत की पहचान है। फ्रेंड, इस शहर में आप मनपसंद आभूषणों की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह शहर प्राकृतिक सौंदर्य रूप से भी अपनी अलग ही छवि प्रदर्शित करता है। यहाँ स्थित नीमराणा की बावड़ी, विजय मंदिर महल, मूसी महारानी की छतरी, नारायणी माता मंदिर, पांडुपोल हनुमान मंदिर, सरिस्का पैलेस, तिजारा जैन मंदिर, सिलीसेर लेक, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। लेकिन इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में आगे जानेंगे। फ्रेंड, वर्तमान में औद्योगिक दृष्टि से अलवर जिला बहुत आगे है। मुख्य रूप से टपुकड़ा, निवाड़ी, खुशखेड़ा, बहरोड, नीमराणा आदि जगह पर अनेक औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं और अलवर के निवाड़ी में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी है तथा राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी इसी जिले में है। इसके अलावा भारत का पहला इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इसी जिले में खुलेगा। यह शहर जैतून की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। इस शहर में वस्त्र निर्माण और मिट्टी के बर्तन बनाने के उद्योग भी स्थित है। दोस्तों, इनके अलावा अलवर उत्तरी राजस्थान में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह शहर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर से 150 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इस शहर की सीमा भरतपुर, दौसा, जयपुर व सीकर जिले तथा हरियाणा के साथ लगती है। फ्रेंड, यहाँ स्थित अलवर का 12 किला यहाँ का ताज कहा जाता है। यहाँ आने वाले सैलानी इस किले में घूमना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। दिलचस्प बात ये है कि अलवर का ये प्राचीन किला बाबर के समय से भी पहले का बना हुआ है। यह किला अरावली पहाड़ी पर लगभग 304 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास में रुचि है तो आपको अलवर के म्यूजियम को विजिट करने जरूर जाना चाहिए। यहाँ आप 18वीं और 19वीं सदी की मुगल और राजपूताना काल की स्थापत्य कला और खूबसूरत पेंटिंग्स का कलेक्शन देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको झीलें देखना पसंद है तो आप अलवर से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलीसेर झील विजिट करने जा सकते हैं। यह झील 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। झील का कल कल बहता पानी मन को आनंदित कर देता है। दोस्तों, यहाँ स्थित भानगढ़ का किला एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भानगढ़ का किला अलवर जिले की अरावली पर्वतमाला में सरिस्का अभयारण्य पर स्थित है। यह किला ढलान वाले इलाके में पहाड़ियों के तल पर बसा हुआ है जो देखने में बेहद भयानक लगता है, जो अपनी बुद्धिया किस्सों की वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में बना रहता है। यह किला यहाँ होने वाली घटनाओं की वजह से इतना ज्यादा फेमस है कि कोई भी इस किले के अंदर अकेला जाने से डरता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस किले में रात के समय पर्यटकों और स्थानीय लोगों के प्रवेश पर भी रोक लगा रखी है। फ्रेंड, यहाँ स्थित विनय विलास महल भीतर से काफी खूबसूरत बना हुआ है। इसे सिटी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का रोचक इतिहास और यहाँ की स्थापत्य कला दोनों ही सैलानियों को आकर्षित करते हैं। 18वीं सदी में बना ये महल मुगल और राजपूताना शैली का मिला जुला संगम है। यहाँ की ऊपरी मंजिल पर एक म्यूजियम भी है जहाँ आपको राजसी जीवन से जुड़ी विविध प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती है। पर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।